अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमारे पास सैमसंग का 4K HDR TV है जिसका मॉडल है CU7000। इस वीडियो में हम इसकी करेंगे कंप्लीट अनबॉक्सिंग और इसका फर्स्ट इंप्रेशन और रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे, साथ ही साथ आपको इसकी क्वालिटी भी चेक करवाएंगे। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना अगर तो आप एक अच्छा TV खरीदने का सोच रहे हैं और अपने पैसे एक अच्छी प्रोडक्ट पर लगाना चाह रहे हैं, तो इस वीडियो में आपको सैमसंग की मुकम्मल डिटेल और इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि सैमसंग पिछले 17 साल से कैसे ग्लोबल नंबर 1 है और सैमसंग जो फीचर प्रोवाइड करता है वो 100% ऑथेंटिक होते हैं और साथ ही साथ सैमसंग में जो चीज़ें दी जाती हैं सैमसंग उनको क्लेम भी करता है। ये जो TV अभी आप देख रहे हैं ये 43 इंच का TV है और ये सैमसंग की C-सीरीज में 2024 में लॉन्च किया गया है। देखते हैं कि इसके बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, क्या ये TV आपके लिए परफेक्ट है, आपको ये TV खरीदना चाहिए या नहीं, सब जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट में हम इसकी अनबॉक्सिंग और बेसिक सेटअप करेंगे और सेकंड पार्ट में इसके डिज़ाइन, बिल्ड क्वालिटी, स्पेक्स और फीचर्स के बारे में बात करेंगे। बॉक्स को ओपन करते ही इसकी टॉप साइड पर इसकी तमाम एक्सेसरीज मिल जाएंगी जिसमें केबल, कनेक्टर, बैटरी, पावर केबल, रिमोट, टेबल स्टैंड और सैमसंग कंपनी का ऑफिशियल वारंटी कार्ड दिया गया है। एक चीज़ आपने याद रखनी है TV बाय करते वक्त कि इसका बारकोड, सीरियल नंबर, वारंटी कार्ड, बॉक्स और TV की बैक साइड तीनों पर सेम होना चाहिए। ब्रैकेट आपको बॉक्स में नहीं मिलेगी, वो अलग से आपको शॉपकीपर से लेनी पड़ेगी। कंपनी की तरफ से वो बिल्कुल फ्री है बट बॉक्स के अंदर नहीं होगी, सेपरेट में दी जाएगी। सैमसंग के नए मॉडल CU7000 में रिमोट की जो लुक है वो बिल्कुल ही चेंज कर दी गई। पहले की जितनी भी बेसिक सीरीज आ रही थी उसमें आपको रिमोट कुछ इस तरह का देखने को मिलता था, लेकिन सैमसंग की इस बेसिक सीरीज CU7000 में रिमोट की लुक को बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया है। स्मार्ट रिमोट है और शॉर्ट की इसकी ऑप्शन के साथ। अब इस TV का बेसिक सेटअप कर लेते हैं। डिज़ाइन की अगर बात की जाए तो ये 3-साइडेड बेजललेस फुल स्क्रीन TV है। मिडल में थोड़ी सी चेंजिंग की गई है। AU7000 में इसका लोगो कुछ इस तरह का था जबकि CU7000 में इसके लोगो को चेंज कर दिया। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी स्ट्रांग है, मैन्युफैक्चरिंग परफेक्ट है जो कि आपको रियलाइज करवाती है कि वाकई आप एक ब्रांड का TV यूज कर। इसके अलावा ये TV ट्रिपल प्रोटेक्शन शीट के साथ आता है जिसमें ह्यूमिडिटी, नमी और डस्ट, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किट जो कि पाकिस्तान में काफ़ी मेजर इशू है, उसके अलावा आसमानी बिजली, मोस्टली हमारे TVs इन तीनों रीज़न की वजह से ख़राब होते हैं बट सैमसंग का ये TV इन तीनों प्रॉब्लम से सिक्योर है जिसको नाम दिया गया है ट्रिपल प्रोटेक्शन शीट। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं इसके स्पेक्स और फीचर की। 4K रेजोल्यूशन है जिसमें 2160x3840 पिक्सल्स मिल रहे हैं। पिक्चर इंजन में इसमें क्रिस्टल प्रोसेसर 4K यूज़ किया गया है जिसमें 1 बिलियन कलर्स हैं। HDR हाई डायनामिक रेंज और HDR 10 प्लस की सपोर्ट भी आपको इस TV में मिल जाएगी जिसमें कलर्स मजीद डीप और क्लियर हो जाते हैं। इसके अलावा HLG हाइब्रिड लॉक गामा भी यूज़ किया गया है। मेगा कंट्रास्ट कलर्स भी मिल रहे हैं और UHD डिमिंग भी मिल रही है जो कि माइक्रो डिमिंग और लोकल डिमिंग दोनों से बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। अब अगर बात की जाए इसके साउंड की तो 2 चैनल का साउंड मिलता है जिसमें 20 वॉट्स के स्पीकर यूज़ किए गए हैं। अब इसके साउंड की खासियत क्या है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड, ये ऑब्जेक्ट को ट्रैक करता है। यहाँ पे आपको मैं पिक्चर शो कर दूंगा जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट को ट्रैक करता है, देन उसके ऊपर साउंड्स की लेयर जाती हैं जिसको ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड कहा जाता है। इसके अलावा इस TV में आपको अडेप्टिव साउंड मिल रहा है। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं कि अडेप्टिव साउंड जो होता है ये किस तरह मूवमेंट के साथ अपने कंटेंट और मूवमेंट के साथ अपनी जो वॉइस की लाउडनेस है उसको कैसे चेंज कर रहा है। अगर आप न्यूज़ सुन रहे हैं तो उसकी वाइब्स कुछ और होंगी, नॉर्मल म्यूज़िक सुन रहे हैं तो उसकी वाइब्स कुछ और होंगी, और अगर लाउड म्यूज़िक सुन रहे हैं तो उसका साउंड कुछ और होगा। एडेप्टिव साउंड एनवायरनमेंट के हिसाब से साउंड को खुद ब खुद एडजस्ट कर। 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है। गेमिंग के लिए इसमें मोशन एक्सीलरेटर यूज़ किया गया है और ALLM ऑटो लो लेटेंसी मोड की ऑप्शन भी इस TV में आपको मिल जाएगी। ALLM ऑटो लो लेटेंसी मोड की यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो भी शेयर कर दूंगा जिसमें आपको इजीली समझ आ जाएगी कि ये करता क्या है, ये फीचर जो है ALLM ऑटो लो लेटेंसी मोड ये यूज़ कहाँ पे होता है।
अब बात करते हैं इस टीवी के सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर में सैमसंग टाइजन ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है जो कि इसका अपना सॉफ्टवेयर है और इसमें आपको वेब ब्राउज़र की ऑप्शन भी मिल जाएगी। मोस्टली लोग जैसे आईफोन यूज़ करते हैं जिसमें उनका डाटा सिक्योर रहता है बनिस्बत एंड्रॉयड फ़ोन, इसी तरह टीवीज़ में भी सैमसंग अपना सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है टाइजन।